Hello students, we are studying the chapter work and energy. In last video we had studied about the energy, that is mechanical energy, kinetic energy and potential energy. इनके बारे में हमने पढ़ा है, तो आज हमें पढ़ना है transformation of energy. Energy का transformation कैसे होता है इसे हमने पढ़ना है. इसे पढ़ने से पहले आप सबको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है. तो चलो हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. वी नो दैट एनर्जीज आर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म. बहुत बार ये सवाल हमारे मन में आता है, व्हिच आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. वी नो दैट आंसर इज सिंपल, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. देयर इज हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो अभी हमने पढ़े हैं, मैकेनिकल एनर्जी जिसमें है काइनेटिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी. दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एटसेट्रा. हीट, लाइट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एटॉमिक, न्यूक्लियर, साउंड, ये क्या है, एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. अब यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे. इसमें क्या करना है, फाइंड एनर्जी यूज इन द फॉलोइंग प्रोसेस. जब ये प्रोसेस होते हैं तो इसमें कौन सी एनर्जी यूज होती है, कौन सी एनर्जी क्या होती है, यूज होती है. फॉर एग्जांपल हम खाना बना रहे हैं तो खाना जो पकाते हैं तो पकाने के लिए कौन सी एनर्जी यूज करते हैं, हीट एनर्जी. तो यही हमें इसमें फाइंड करना है. अ स्ट्रेच पीस ऑफ रबर, रबर पीस को हमने स्ट्रेच किया, कौन सी एनर्जी यूज करेंगे इसमें, मैकेनिकल एनर्जी यूज करते हैं. फास्ट मूविंग कार जोर से जा रहे तो उसमें कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, उसके अंदर एनर्जी कौन सी यूज हो रही है, तो जो पेट्रोल जो है, पेट्रोल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी. और उसी केमिकल एनर्जी की वजह से कार जो है वो फास्ट मोशन करती है, देयरफॉर इट यूज द केमिकल एनर्जी. द व्हिसलिंग ऑफ कुकर ड्यू टू द स्टीम, कुकर जो है कुकर का विसल बजता है, किसकी वजह से बजता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, स्टीम जमा होती है, वेपर्स जमा होते हैं और उसकी फोर्स की वजह से स्टीम का विसल बजता है. तो यहां पे जो एनर्जी यूज हो रही है वो कौन सी है, हीट एनर्जी ऑफ स्टीम. हीट की वजह से वहां पे स्टीम बनता है और जिसकी वजह से विसल बजता है, देयरफॉर हीट एनर्जी. द क्रैकर एक्सप्लोड इन दिवाली, दिवाली में जब हम फटाके जलाते हैं उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, उसमें होती है केमिकल एनर्जी. बारूद भरा होता है और उसके अंदर होती है केमिकल एनर्जी. फैन रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फैन जब घूमता है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे चलता है. इट इज सिंपल, इट यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देन ब्रेकिंग ऑफ ग्लास विंडो पैंस बिकॉज ऑफ लाउड नॉइस. अगर हमारे घर के बाजू में अगर कोई एक्सप्लोजन हो जाता है, बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, तो हमारे घर के जो विंडो पैंस है वो ग्लास के बने हुए होते हैं, तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो फूट जाते हैं, टूट जाते हैं. तो इसमें कौन सी एनर्जी यूज होती है, साउंड एनर्जी. और जब गार्बेज में से हमें अगर आयन को निकालना है तो उसके लिए चुनना, अलग अलग निकालना, उसको फिर ये करना, लेबर से निकालना, तो ये मुश्किल बात होती है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं. नाउअडे वी यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इसमें कौन सी एनर्जी यूज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. और मैग्नेटिक एनर्जी इज यूज इन दिस व्हेन वी कलेक्ट द पीसेस ऑफ आयन फ्रॉम द गार्बेज. तो ये सब एनर्जी का फॉर्म जो है, तो इसमें एक एनर्जी जो है वो दूसरे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते रहती है. अब दिवाली में है जब हम फायर क्रैकर्स जलाते हैं, उसका हम एग्जांपल लेंगे, ये फायर क्रैकर्स. तो इसको जब हम जलाते हैं तो जलाने के बाद क्या होता है, तो इसके अंदर जो एनर्जी है, बारूद जो बना हुआ है, तो बारूद के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, इट कंटेन्स केमिकल एनर्जी. जब कोई भी फायर क्रैकर्स जो है उसको हम जलाते हैं तो सबसे पहले जो है उसको लाइट बाहर आती है, तो इट मीन्स दैट इट कन्वर्ट्स इनटू द लाइट एनर्जी. और उसमें जो है क्या होता है, आवाज भी बाहर निकल के आती है तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है. और तीसरा, जहां पे हम फायर क्रैकर जलाते हैं उस जगह को हम जलाने के बाद हाथ लगाएंगे तो वो जमीन जो है वो गर्म हो जाती है, यानी कि हीट जो है वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है. तो इसका अर्थ ये है बच्चों,
कि केमिकल एनर्जी जो फायर क्रैकर्स के अंदर है, जब हम इसको जलाते हैं तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन तीन एनर्जी में होता है। केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन लाइट एनर्जी में होता है, साउंड एनर्जी में भी होता है और हीट एनर्जी में भी होता है। अब देखिए स्ट्रेच रबर बैंड, जो उसको हम स्ट्रेच किया तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, जिसको हम रिलीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होता है, काइनेटिक एनर्जी में होता है। फास्ट मूविंग कार, इसमें केमिकल एनर्जी यूज कर रही है, पेट्रोल का केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी का यूज करने के बाद दिस केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कार क्या हो रही है, मोशन में, और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। द विसल ऑफ द कुकर ड्यू टू द स्टीम, हीट एनर्जी जो जब विसल बचता है तो विसल हीट एनर्जी की वजह से बचता है, लेकिन जब बचेगा तो उसमें से साउंड बाहर निकल के आएगा, तो हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होगा, साउंड एनर्जी में होगा। फायर क्रैकर का एग्जांपल मैंने आपको बताया, द फैन रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से फैन घूमता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे किसमें हो रहा है, मोशन यानी कि काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास विंडोज ड्यू टू द फैन, साउंड की वजह से क्या हो रहा है, वो क्या हो रहे, क्रैक हो रहे, एंड क्रैक होने के बाद जो कुछ उसके पीसे जो दूर जाके गिरेंगे तो इसमें मोशन होता है, तो इट कन्वर्ट्स इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। अब हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैसे होता है। तो अब यहाँ पे देखिए एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे एनर्जी में कैसे होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी कितने सारे एनर्जी में ट्रांसफर होती है, मैकेनिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी, और ये सभी एनर्जी पुनः जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती है। अब मैकेनिकल एनर्जी में देखिए, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल करके हम फैन जो है उसको रोटेट करते, इंजन जो है वो चलाते हैं, तो इंजन और फैन जब चलते हैं तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है। अब मैकेनिकल एनर्जी जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी इलेक्ट्रिक एनर्जी में होता है, कहां पे होता है, बाय इलेक्ट्रिक जनरेटर। पिछले क्लासेस में आपने टर्बाइन के बारे में पढ़ा होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार होती है, फॉर एग्जांपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, पानी से जहां पे इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, तो जब ऊपर से पानी डैम से नीचे गिरता है तो उस पानी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि वाटर जो है फ्लोइंग है मोशन में, तो इस पानी का इस्तेमाल करके टर्बाइन जो है वो घुमाया जाता है, टर्बाइन को ब्लेड होते हैं, तो टर्बाइन जब घूमता है तो मैकेनिकल एनर्जी जो है उसमें भी मैकेनिकल एनर्जी है, और उस मैकेनिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी तैयार होती है, जनरेटर कौन सी एनर्जी तैयार करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि जनरेटर के टर्बाइन जो है वो वाटर की मैकेनिकल एनर्जी से घूमते हैं और जिसकी वजह से उसका कन्वर्शन होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अब दूसरा देखिए लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी जब हम बल्ब जलाएंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्शन किसमें हो जाता है, लाइट एनर्जी में हो जाता है, बराबर है, और लाइट एनर्जी जो है उसका भी इलेक्ट्रिक एनर्जी में तैयार कन्वर्शन होता है बाय यूजिंग द सोलर सेल। सोलर सेल के अंदर, सोलर सेल के ऊपर अगर लाइट, सोलर लाइट जो है जब गिरता है तो सोलर लाइट जो है इसका कन्वर्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी में होता है। इन दिस वे द लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट इन टू द इलेक्ट्रिक सेल बाय यूजिंग द सोलर सेल्स एंड सोलर पैनल्स। अब केमिकल एनर्जी देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल एनर्जी में होता है, सेकेंडरी सेल, आपने इन्वर्टर देखा होगा, इन्वर्टर आपके घर के अंदर है, जब इलेक्ट्रिसिटी होती है तब इन्वर्टर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो केमिकल एनर्जी में होता है। अब जब इलेक्ट्रिक सप्लाई कट होता है तो उसमें प्राइमरी सेल जो है वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक एनर्जी में करता है। इस तरह से हमारे घर के अंदर भी इलेक्ट्रिक का एनर्जी केमिकल, और केमिकल से हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी वहां पे मिलती है। देन साउंड एनर्जी, तो साउंड एनर्जी जब मैं माइक्रोफोन के इस माइक्रोफोन में जब हम बोलते हैं, क्योंकि जो माइक होता है माइक के अंदर जब बोलते हैं तो हमारा जो साउंड है तो साउंड का कन्वर्शन जो है उसमें किसमें होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, बराबर है, माइक्रोफोन। और लाउड स्पीकर में क्या हो जाता है, जब हम बोलते हैं तो हमारा आवाज जो इसका कन्वर्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी में होगा, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पुनः किसमें होता है, साउंड एनर्जी में होता है। यानी कि जब हम साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, लाउड स्पीकर में हम जब बोलते हैं, जब मैं बोल रहा हूँ तो उसका कन्वर्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी में हो रहा है,
और जब जहाँ पे लाउड स्पीकर लगा होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें होता है, साउंड एनर्जी में होता है। एंड दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट एनर्जी में किस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, बाय यूजिंग द हीटर, वाटर हीटर का जब हम इस्तेमाल करते हैं हमारे घर के अंदर जो है गीजर जो है इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से पानी गर्म होता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी में होती है और हीट एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पुनः इलेक्ट्रिक एनर्जी में थर्मोकपल। अब थर्मोकपल जो है इसको मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। डिजिटल थर्मामीटर आपने देखा होगा, जब हम हमारा बॉडी टेम्परेचर काउंट करते तो उसमें जो हीट एनर्जी उसका ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक एनर्जी में होता है, जिसकी वजह से हमें डिजिटल रीडिंग हमारे बॉडी के टेम्परेचर की यहाँ पे मिलती है। एंड इन दिस वे द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म। तो एक एनर्जी का फॉर्म जो है वो दूसरे एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। तो हमें कहीं पे भी एनर्जी जो है वो तैयार होते हुए नहीं दिखाई देती। एनर्जी कहीं यहाँ कहाँ पे एनर्जी तैयार हुई है क्या, नहीं। सिर्फ एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। अब देखिए दूसरा एक सिंपल एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूँ। जब लकड़ियां जलाते हैं तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में भी होता है। तो लकड़ी के अंदर केमिकल एनर्जी कहाँ पे आई है, जब प्लांट की ग्रोथ होती है तो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स जब लेते हैं तो उस न्यूट्रिएंट जो है उसके अंदर केमिकल एनर्जी के फॉर्म में फूड के फॉर्म में उसमें स्टोर रहते हैं। तो यहाँ कहीं पे भी एनर्जी जो है वो तैयार नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप देख लीजिए, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं कि प्लांट जो है वो एनर्जी तैयार करते हैं फूड। लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या है, सोलर सन से जो एनर्जी आती है, तो सन से जो एनर्जी आती है सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके प्लांट क्या करते हैं, फूड एनर्जी तैयार करते हैं। तो सोलर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन फूड एनर्जी, फूड एनर्जी मीन्स केमिकल फॉर्म, कौन सी एनर्जी है, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हुआ है, केमिकल एनर्जी में हुआ है। तो यहाँ कहीं पे भी एनर्जी जो है वो तैयार होते हुए हमें नहीं देखती। तो इससे हमें एक लॉ मिलता है, दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इस लॉ को मैं लिखते जा रहा हूं। इस लॉ का कहना है कि एनर्जी Neither be created nor be destroyed. It can be converted from one form into another. Therefore, the total energy of universe remains constant, and this is called as law of conservation of energy. So, energy neither be created nor be destroyed. Energy कहीं भी तैयार नहीं होती और कोई भी एनर्जी को हम नष्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे एनर्जी में कर सकते। इसके कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे हैं, बराबर है। तो इसकी वजह से क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेंस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्स की एनर्जी जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। एनर्जी क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। सिर्फ क्या होता है, एक का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे में होता है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, तो इसके बारे में मैंने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो सिंपल एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया है, यहाँ पे पेंडुलम बनाए, दो पेंडुलम्स मैंने बनाए आपके सामने, आपको दिखाई देते होंगे ये जो दो पेंडुलम है। अब इस पेंडुलम को मैं थोड़ा सा स्टेशनरी करने का प्रयास करता हूँ, स्टेडी करने का प्रयास करता हूँ, बराबर। अब थोड़े से हिल रहे लेकिन ये स्टेडी। अब मैं एक पेंडुलम जो है इसमें स्विंगिंग मोशन करता हूं, अब देखिए, और दूसरे को आपको ऑब्जर्व करना है, दोनों पेंडुलम को आपको ऑब्जर्व करना है। अब देखिए क्या हुआ है, अब एक पाइल जिस पेंडुलम में स्विंगिंग मोशन हमने की थी उसकी मोशन कम हो रही है, और दूसरा पेंडुलम जो है जो स्टेशनरी था उसमें क्या हो रही है, मोशन जो है वो स्टार्ट हुई है।
आ गया समझ में। अब फिर से एक बार मैं आपको दोहराता हूं, अब देखिए दोनों स्टेशनरी है, स्थिर है। अब एक में मैं मोशन करूंगा, स्विंगिंग मोशन करता हूं यहां पे, और दूसरा जो है वो स्थिर है, उस दूसरे की मोशन जो है आपको ऑब्जर्व करनी है। अब जिसमें स्विंगिंग मोशन थी उसकी मोशन कम हो रही है, और दूसरा जो है जो स्टेशनरी था वो धीरे धीरे मोशन में आ रहा है, उसमें क्या हो रही है, मोशन हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक पेंडुलम जो है उसकी जो एनर्जी है वो दूसरे पेंडुलम में ट्रांसफॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से पहले पेंडुलम की एनर्जी कम हो गई और दूसरे पेंडुलम की एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि वो तो पहले किसमें था, स्टेशनरी था, अभी इसमें क्या हो रही है, मोशन। अब देखिए पहले की जो है वो मोशन कम हो गई और दूसरे की मोशन, दूसरे में मोशन हो रही है, इसमें एक पेंडुलम की एनर्जी दूसरे पेंडुलम में ट्रांसफर हो गई है। एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं। थैंक यू।